अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानिश इमरान फ्रॉम स्टेशनरी स्टोरीज़। आज हाजिर हुआ हूँ जी एक और ज़बरदस्ती वीडियो लेकर। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जिक्र किया था, जिसमें हम लोगों ने अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था ओरो ट्राई मेटल का, मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था डियर वंडर का, तो इन दोनों पेंसिल्स का रिव्यू और अनबॉक्सिंग हम लोग कर चुके हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि डियर वंडर ने कॉपी किया है ट्राई मेटल को। तो ट्राई मेटल की इतनी तारीफ़ों के बावजूद मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, जबकि डियर वंडर ने कॉपी किया है ट्राई मेटल के कलर्स को, उसके डिज़ाइन को। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैंने कहा मैं आज एक कंपैरिजन वीडियो बनाता हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है और इन्होंने जो कॉपी किया है उससे ये ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर सके। हालांकि दोनों के रेट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डियर भी पाकिस्तान की एक अच्छी कंपनी है, लेकिन इनको अपनी क्वालिटी पर काम करना चाहिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। कोशिश इन्होंने पूरी की कि ये जो है वो सेम टू सेम जो है ना, उसके जैसे कलर्स और उसके जैसे सारा कुछ उसकी लुक्स वगैरह कर सकें, लेकिन ये नाकाम रहे इस कोशिश में। उसकी वजह शायद मटेरियल भी हो सकता है, उसकी वजह शायद इनकी कोशिश में कमी भी हो सकती है, तो कोई भी वजह हो सकती है उसकी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोगों को फर्स्ट लुक से ही अंदाज़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा आप लोगों को कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो ये देखें, देखने में शायद कैमरे में आप लोगों को लग रहा होगा कि ये दोनों कलर सेम है, बट इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं वन बाय वन ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वन बाय वन कलर्स आपको दिखाऊँ। ये आ गया जी ओरो का ब्लू कलर और ये आ गया डियर का ब्लू कलर। अब ये देखने में इनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है, बट अगर बात की जाए इसकी क्वालिटी की, तो इसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप लोगों को वुडन का कलर भी नज़र आ रहा होगा, इसकी वुड का कलर भी नज़र आ रहा होगा और इसकी वुड का कलर भी नज़र आ रहा होगा। पहला फ़र्क तो ये है कि इन्होंने बहुत एक नाकिस सा मटीरियल इस्तेमाल किया है। और उसके बाद बात की जाए इसके इरेजर की, तो देखने में ये सेम लग रहा है, बट इसके इरेजर की क्वालिटी बहुत अच्छी है बनिस्बत इसके। तो मैंने आपको बताया था कि पेंसिल की क्वालिटी का अंदाज़ा 70% उसी टाइम हो जाता है जब हम इसको शॉर्प करते हैं। तो इसका लेड, अगर हम इसके लेड की बात करें, तो लिखने में तो दोनों सेम है, बट ये पेंसिल जल्दी ख़त्म हो जाएगी बनिस्बत इसके। ओरो की पेंसिल दीर्पा है और इसकी लुक्स शायद कैमरे में, मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने क्योंकि कॉपी किया हुआ है इसको, तो कैमरे में शायद ये दोनों कलर्स आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 19-20 का नहीं, 18-20 का फ़र्क है इसमें और क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अब इसका येलो ले लेते हैं, ये देखिए कोशिश उन्होंने पूरी की है, नकल पूरी पूरी उतारी है उन्होंने कि उसमें कोई भी जो है ना फ़र्क ना आए, लेकिन आपको पता है कि क्वालिटी तो क्वालिटी होती है, तो फ़र्क आप लोगों के सामने है, शायद इसमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा। अच्छा, इसमें ना इन्होंने रेड कलर नहीं दिया, इनकी जो पैकेट है उसमें रेड कलर नहीं है, इन्होंने उसमें पिंक दिया है, ग्रीन दिया है। अब जाहिर है सारे मेरे ख्याल से कॉपी भी नहीं कर सकते थे, वो कॉपीराइट क्लेम कर देते। तो ये थोड़ा सा मैं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग जब भी अपने बच्चों के लिए पेंसिल ख़रीदने जाएं, तो सेम कलर्स की वजह से धोखा नहीं खाइएगा। वो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान में बड़ी एक मशहूर वो बात सी है कि नकालों से होशियार, तो ये भजन नकालों वाला ही काम है। तो भाई साहब, आपने कलर्स की वजह से धोखा नहीं खाना और ना ही पैसों की वजह से धोखा खाना है। शायद आपको वो यही वाली पेंसिल ओरो के रेट में दे रहा हो, या फिर शायद हो सकता है 2-4 रुपये सस्ती दे रहा हो, लेकिन अगर बात आएगी क्वालिटी की, तो शायद ये आपको 2 पेंसिल्स लेनी पड़ेंगी और ओरो की 1 पेंसिल लेनी पड़ेगी। तो इतना ज़्यादा फ़र्क है इनकी क्वालिटी में। तो मैंने सोचा मैं आज आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग, क्योंकि इनमें सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं अपनी अपनी स्क्रीन पर, इनमें सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन क्वालिटी में अच्छा खासा फ़र्क है। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ और कोशिश करूँगा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बच्चों के लिए जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो लेकर आता रहूँ।
तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।